नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो आप सभी का SSC CHSL 2019 का रिज़ल्ट जो कि आ गया है और उस रिज़ल्ट के कट ऑफ को मैं यहां पे बता रहा हूं आप सभी को। तो सबसे पहली बात तो कि ये है कि आप सभी को जो टायर टू डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था 2021, मतलब इसी साल में, और टोटल मिला करके 28,508 लोगों को क्वालिफाई किया गया है आप सभी को टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो यूआर ही कट ऑफ 222 नंबर है, जहाँ पर 4,687 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। एससी कट ऑफ 197, 4,604 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। एसटी की कट ऑफ 190, 2,117 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी की 215 और ईडब्ल्यूएस की 206। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूसी कट ऑफ 215-206 नंबर जो गई हुई है, अगर आपके 222 से नीचे हैं तो खैर बिल्कुल भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, ये आप सभी को CHSL 18 के फाइनल रिजल्ट को देख करके पता चल जा सकती है। और हालांकि यूआर की कट ऑफ जो की है CHSL 18 की मैं बात कर रहा हूँ, जो टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ आई थी 192 का, तो 192 के काफ़ी ऊपर जो की है, मतलब सॉरी 192 पे जो डीवी के लिए लोगों को बुलाया गया था और टाइपिंग के लिए भी, तो वो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर, मतलब 212 नंबर डीवी, मतलब अप्रोक्स 20 मार्क्स ऊपर। तो अभी देख सकते हैं कंपटीशन कहां से कहां है और नॉर्मलाइजेशन के कारण भी चीज़ों के बारे में, मतलब ऊपर नीचे ऐसा हुआ है कि जो प्रीवियस कट ऑफ जो रहते थे, जो कि अप्रोक्स रहता था कि 60 प्लस में अगर आप हैं यूआर कैटेगरी में टायर 1+60, तो आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस रहते ही थे। लेकिन अभी जो कि ये सीन क्या चल रहा है कि 70 मार्क्स आपको ऊपर रहना ही रहना पड़ेगा टायर 1 के कट ऑफ से। तो आप बाकी चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा यूआर कैंडिडेट्स के साथ में 811 एससी, 215 एसटी, 5,688 ओबीसी। ठीक है, और ओबीसी का सिलेक्शन कितना, 8,342, मतलब लगभग में आप सभी का 3,000, मतलब 3,000 से थोड़ा सा कम ही आप मान के चलो। ठीक है, आपके 222 नंबर और 215 नंबर के बीच में है। फिर आपका 2,486 इतना जो कि है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग क्वालिफाई कर रखे हैं यूआर कैटेगरी से, मतलब 222 नंबर के ऊपर। एक और चीज़ यहाँ पे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इन कॉन्सोनेंस टू द पैरा नंबर 17.5 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, ओनली कैंडिडेट्स हैव बीन कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग हु हैड स्कोर्ड मोर देन 33% मार्क्स इन टायर टू एग्जामिनेशन। लगभग ये सारे लोग 33% मार्क्स नहीं आते, मतलब 33 नंबर लाना इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता। हाँ, कभी कभी लक खराब होती है, उसके कारण 32 नंबर 31 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कि है आप सभी का टाइपिंग कब होने वाला, फोर्थ नंबर पॉइंट पर अगर आप देख सकते हैं, तो जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट्स का, उनका टाइपिंग 3 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, तो 3 नंबर से आप सभी का टाइपिंग है, मतलब अभी से एक महीना के, जस्ट एक मंथ आपके पास है, एक महीना एक दिन, एक महीना दो दिन ऐसे करके। ठीक, आप मार्च जो कि हैं 7 तारीख को आपके वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे और आप 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक अपने मार्क्स को देख सकते हैं। तो जिन जिन लोगों का भी इस समय सिलेक्शन हो चुका है, वो तैयारी करें अच्छे से, कोशिश करें कि CHSL 18 वाले लोग इसमें सीट वेस्ट ना करें। सीट वेस्ट करना बहुत ही आसान चीज़ है, मगर इस चीज़ का खामियाजा भुगतना दूसरे लोगों को पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो CGL में भी उनको पता होता है कि उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, लेकिन CHSL में जाके सीट वेस्ट करेंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम पैरेलल चलती है, जैसे कि CHSL 17 CHSL 18 लगभग पैरेलल पे ही थी। ठीक है, जब तक लोगों के ज्वाइनिंग हुए थे तब तक वो कुछ ही दिनों के बाद उनकी टाइपिंग थी, मैक्सिमम लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, और उस कंडीशन में लोग सीट वेस्ट करते भी हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर ना हो तो खैर बहुत बढ़िया होती है। तो चलता हूँ मैं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, सीट वगैरह वेस्ट ना करें, और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी सीट वेस्ट करने ना करने के लिए थोड़ा मोटिवेट करें। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। चलता हूँ, थैंक यू एंड बाय।